मेरा नाम अश्वनी निगम है, मैं एक पेशेवर डांसर एंड कोरियोग्राफर हूँ। मुझे पिछले 20 सालों से डायबिटीज़ है, इस साल मैं 57 वर्ष का हो जाऊँगा। और खाने पीने में आप सभी समझते हैं, कितना चाहो कंट्रोल करना चाहो पर हमेशा कुछ गड़बड़ रहती है, तो शुगर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, पर फिर भी ज़िंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही थी। स्ट्रेस था, हैक्टिक थी, भागा दौड़ थी, पर कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है। एक दिन सवेरे मैं कनॉट प्लेस गया और मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कंजेशन, थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे सब कुछ बंद रहा है, कॉकून सा बन गया है छाती में, दर्द हुआ, पर आई इग्नोर्ड। ऐसा हो जाता है कई बार, गैस बन रही होती है। रात को 11 बजे आराम से घर पहुंचा। कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं ये कह सकूं कि मुझे डेंजर सा फील हो रहा है या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, सब कुछ बिल्कुल जैसे नॉर्मल था। पर रात को 2 बजे मेरे को थोड़ा सा मैं जगा और मुझे बहुत तेज़ छाती में दर्द होने लगा, यहाँ पर बहुत तेज़ी से दर्द हुआ, आगे पीछे दाईं तरफ, और हल्का सा उल्टी जैसा फील हो रहा था। बट मैं ये सोचा कि एक गैस बन रही है, तो मैंने उसको इग्नोर करने की कोशिश करी, पर दर्द जो था वो बहुत तेज़ बढ़ता गया और पसीना बहुत तेज़ी से आना शुरू हुआ। बॉडी हल्का सा कांप कपा रही थी और जबान भी थोड़ा सा लड़खड़ा रही थी। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें देख कर के एग्जैक्टली कहा जा सकता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, और इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि हम लोग को धर्मशिला चलना चाहिए। यहाँ पर आए, यहाँ पर तुरंत मेरे को दाखिल किया गया, जो ज़रूरत की चीज़ें थीं वो तुरंत दी गई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा। When Mr. Nigam came to us in the emergency, it was middle of the night and he had a major heart attack. Without wasting much time, we directly took him to the cath lab. And when we did his angiogram through the radial approach, usually we do it from the hand in most scenarios, as it is more comfortable to the patient as also to the primary operator. So we found that his main artery was 100% blocked. And he also had blockages in other arteries, which were of significance. But in the course of a heart attack, whenever you have a heart attack, it's the culprit artery which needs to be treated. So, वो 100% artery block को हमने immediately stent किया, and we had to use 2 stents because it was a very long blockage. Now, within 1 to 2 hours, his chest pain completely subsided. He was up and about in bed and was recovered. It is such a good operation कि मेरे को ये feel ही नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ किया गया है, सिवाय इसके कि हाथ पाँव में जो नलकियाँ लगी हुई थी इसी से कुछ लग रहा था कि मेरे साथ कुछ हुआ है, अदरवाइज सो कम्फर्टेबली ऑपरेशन वॉज डन। सो मिस्टर निगम को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ 20 सालों से थी, और जितनी लंबी ड्यूरेशन होती है डायबिटीज़ की, उतना ही आपका रिस्क हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, स्ट्रोक के लिए बढ़ जाता है। तो यदि आपको डायबिटीज़ है और स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, यू मस्ट बी केयरफुल। सेकेंड प्रॉब्लम जो मिस्टर निगम के साथ थी, उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई थे, टू द ट्यून ऑफ अराउंड 700, विच इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम, एंड दीज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कैन एक्चुअली बी अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एंड ब्लॉकेजेस, बिकॉज ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है और LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये हार्ट की आर्टरीज में जमा होता रहता है। तीसरी चीज़, जो उनकी आर्टरीज थी, जो मेन आर्टरी तो 100% ब्लॉक थी ही थी, बट बाकी आर्टरीज में भी सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस थे, और जब हमने मेन आर्टरी को स्टेंट किया तो हमने देखा वो ब्लॉकेज बहुत लंबा था और काफ़ी डिस्टल एक्सटेंड कर रहा था। तो लॉन्ग ब्लॉकेजेस, साइलेंट ब्लॉकेजेस कैन एग्जिस्ट, एंड स्पेशली बिकॉज दे आर डायबिटिक पेशेंट, दे डोंट हैव टिपिकल चेस्ट पेन, सो उनको टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ का ख्याल रखना। चौथी चीज़ जो हमने उनको देखा, जो कि आजकल हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कई पेशेंट्स जो ओबीज होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, नेक छोटी होती है, रात को उनको खराटे ज़्यादा आते हैं बिकॉज उनकी नेक फॉल कर जाती है एयर वे में। सो
ओएसए एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हमने एक स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी भी ऑर्डर करी है मिस्टर निगम के लिए, जो फॉलोअप पे होगी, बट उनके क्लिनिकल सिम्टम्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। पाँचवीं चीज़, ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है। कई बार साइलेंट ब्लड प्रेशर होता है और पेशेंट्स को लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, बट होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनका डायबिटिक होना, उनका हाई कोलेस्ट्रॉल होना, उनका खान पीन पे कंट्रोल ना होना, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की पॉसिबिलिटी होना, ये सब उनके रिस्क फैक्टर्स थे जो कि हम अब उसको ट्रीट कर रहे हैं, जो कि पहले भी आइडियली पेशेंट्स को खुद भी करना चाहिए और रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। मेरा आप सबको एक यही सजेशन है कि जब भी किसी तरह की इस प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको खुद महसूस नहीं होता कि आप कितने बड़े डेंजर में हैं, तो जैसे ही मौका लगे आप किसी अच्छे हॉस्पिटल चलें, डरें नहीं, पैनिक नहीं करें। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि घर के पास है धर्मशाला, हम तुरंत यहाँ आ गए, पर ज़रूरी नहीं है कि धर्मशाला ही आएँ, ज़रूरी है कि आप टाइमली समय रहते हुए उस जगह जाएं जहाँ पर आपकी केयर हो। और आशा है कि वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल होगा तो अच्छे डॉक्टर भी होंगे, आपकी केयर भी अच्छी होगी और आपके ज़िंदा रहने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ज़मीन पर हमारे लिए उस समय भगवान का दूसरा स्वरूप डॉक्टर ही होता है।